बताना चाहूँगी, जो मेरे जो नोट्स होते हैं वो महेश्वरी की बुक में से होते हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक की असेंशियल ऑर्थोपेडिक की बुक है। और इस बुक की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी है, अपन इजीली समझ सकते हैं। और ज़्यादातर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी बुक को रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। तो आज अपन पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। पहले अपन ने देखा था कि जो फ्रैक्चर है उसके क्लासिफिकेशंस क्या थे, उसके बाद अपन ने देखा जो फ्रैक्चर की हीलिंग कैसे होती है। ये आपको वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पे। उसके बाद एक बार देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के को ट्रीट करने के लिए अपन उसको 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। इनके नाम ही है। फेज 1 को अपन इमरजेंसी केयर कह सकते हैं, सेकेंड को डेफिनेटिव केयर एंड थर्ड को रिहेबिलिटेशन। इसका मतलब अपन देखते हैं। इमरजेंसी केयर का मतलब है कि जिस साइट पर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है तो उस टाइम अपन उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो होता है इमरजेंसी केयर। सेकेंड होता है डेफिनेटिव केयर। इसमें अपन पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एक डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पर उसका ट्रीट हो। फिर वहाँ पर उसके साइंस सिम्टम्स देखते हैं कि उसके बीपी कैसी है, नॉर्मल है या नहीं है, उसकी ब्लड कितना लॉस हुआ है, वो सब अपन डेफिनेटिव केयर में करेंगे। इसके और भी मेथड्स होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। उसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, फ्रैक्चर हील होने के बाद अपन उसको वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में कैसे लाएंगे, उसके जिस पार्ट में उसको फ्रैक्चर हुआ था उस फ्रैक्चर को अपन फिर से कैसे ठीक कर सकते हैं, वो अपन ने जो लिम है, जो मूवमेंट है उसको उसको अपन वापस कैसे गेन कर सकते हैं, वो अपन करते हैं रिहेबिलिटेशन में। तो इसका फर्स्ट फेज आता है इमरजेंसी केयर। इसमें अपन इसको 2 तरीके से देखेंगे, एक तो है एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट एंड सेकेंड है इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। मतलब फर्स्ट वाले में है कि जिस साइट पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ की केयर, एक सेकेंड है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में केयर। तो जब जिस साइट पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर अपन पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। फर्स्ट है रेस्ट ऑफ द बॉडी, सेकेंड आइस थेरेपी, सेकेंड है कंप्रेशन एंड फोर्थ है एलिवेशन। इसको अपन याद कर सकते हैं राइस से, RICE, राइस से, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो अपन ये यूज़ क्यों करते हैं, रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय स्प्लिटिंग, ये अपन भी देखेंगे। सेकेंड है आइस थेरेपी। आइस थेरेपी का यूज़ अपन करते हैं स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे काफ़ी डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग दिखने लगती है। उसके बाद आता है कंप्रेशन, ये अपन यूज़ करते हैं स्वेलिंग को कम करने के लिए, और एलिवेशन भी अपन यूज़ करते हैं स्वेलिंग को कम करने के लिए। अब है रेस्ट, रेस्ट टू द पार्ट, तो इसमें अपन यूज़ करते हैं स्प्लिंटिंग। तो स्प्लिंटिंग क्या होता है, स्प्लिंटिंग एक सरफेस होता है जो कि फ्रैक्चर को एक सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने लिम्ब को उस पर मतलब सपोर्ट दे सके। इसमें है अवेलेबल ऑब्जेक्ट एट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट कैन बी यूज्ड फॉर स्प्लिंटिंग, कि ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपन पेशेंट को दे सकते हैं स्प्लिंटिंग के रूप में। वो है फोल्डर, न्यूज़पेपर। अपन किसी भी न्यूज़पेपर को फोल्ड करके इस तरह से वहाँ उसके फ्रैक्चर के नीचे लगा सकते हैं। सेकंड है मैगजीन, स्टिक्स, पिलो, वुडन प्लैंक, अपन इन सब, अम्ब्रेला, इन सब का अपन यूज़ कर सकते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। ये आप यहाँ बुक में भी देख सकते हो कि फोल्ड न्यूज़पेपर है, ये यहाँ पर पिलो है, वुडन प्लैंक है, बेम्बू है, अम्ब्रेला है। तो इस सब के थ्रू अपन इसको सरफेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। सम ऑफ द कॉमनली अवेलेबल है ये, वहाँ पर मतलब कहीं भी किसी भी साइट पर ये चीज़ें तो मिल ही जाएगी, न्यूज़पेपर, अम्ब्रेला, ये सब नॉर्मली मिल जाता है। अब अपन देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, स्प्लिंटिंग अपन यूज़ करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। इसको यूज़ करने से क्या होगा, जो पेशेंट का जो पेन है वो उससे उसको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उसको एक सरफेस मिल गया जिससे अपन वो अपने बॉडी पार्ट को रेस्ट करवा सकते हैं। बाय प्रिवेंटिंग मूवमेंट एट द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के जो मूवमेंट है उसको प्रिवेंट कर सकता है। सेकेंड है प्रिवेंटिंग ऑफ फर्दर डैमेज टू स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज एंड न्यूरोमस्कुलर बंडल्स। अगर मान लो किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है और अगर अपन ने उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवाया, उसको स्प्लिंट नहीं लगवाई, तो उसका जो हैंड है वो मूव करेगा, और मूव करने के कारण
वहाँ की जो स्किन है और सॉफ्ट टिश्यूज है ये सब डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं धीरे धीरे। अगर जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा उतना ही ये सब डैमेज होते जाएंगे। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट मेड इजी, और अपन उसको ट्रांसपोर्ट करना जिस साइड पर उसका एक्सीडेंट हुआ है उस साइड से उसे हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ेगा, तो उस कारण से जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाता है। तो वो तो हो गया राइस का, आर का रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। उसके बाद है आर आई, आई से होता है आइस थेरेपी। इसमें क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग पेन एंड स्वेलिंग। स्वेलिंग को कम करने के लिए आइस थेरेपी का यूज़ करेंगे और पेन को रिड्यूस करने के लिए भी आइस थेरेपी का यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होता है, डन बाई टेकिंग क्रस्ड आइस इन द पॉलिथीन बैग। या तो अपन आइस को मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो आइस इसको क्रस्ट करके पॉलिथीन बैग में डालकर उसे जिस पार्ट पे फ्रैक्चर हुआ है जो पार्ट उसका इंजर्ड है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड होता है कवरिंग इट विथ अ वेट क्लॉथ, जो वेट क्लॉथ है उससे भी अपन उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अपन कर सकते हैं आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लो वहाँ पर एक वुंड है तो अपन क्या है एक सलाइन क्लीन क्लॉथ का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पर चांसेस होने के मतलब जो इन्फेक्शन है उसके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसलिए। उसके बाद आता है आर आई सी, सी से होता है कंप्रेशन। तो अपन उस पार्ट को कंप्रेस किस तरह से कर सकते हैं, क्रेप बैंडेज इज अप्लाई, जो क्रेप बैंडेज होते हैं ना उसको अप्लाई कर सकते हैं जो पार्ट इंजर्ड हुआ है। नॉट टू टाइट, अपन को ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा लूज भी ना हो, मतलब जो पेशेंट जिस कंडीशन में मतलब उसको जो कंफर्टेबल लगे उतना ही टाइट करना है अपन को। उसके बाद होता है आर आई सी ई, ई से होता है एलिवेशन। एलिवेशन में है कि जो पार्ट अपना इंजर्ड हुआ है उस पार्ट को अपन को रखना है अबोव द लेवल ऑफ हर्ट, हर्ट के लेवल के थोड़ा ऊपर अपन उस पार्ट को रखना है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो अपन का जो लोअर लिम है उसको अपन कैसे करेंगे, कैन बी डन यूजिंग पिलो। पिलो की हेल्प से अपन उसको हर्ट के लेवल के थोड़ा ऊपर लाएंगे एंड फॉर अपर लिम, और अपर लिम के लिए अपन उस यूज़ करेंगे सिलिंग एंड पिलो कैन बी यूज्ड। पिलो यूज़ कर सकते हैं या सिलिन यूज़ कर सकते हैं। फिर अपन ने देख लिया, ये तो देख लिया अपन ने जो इस पार्ट पर या फिर जिस साइड पर फ्रैक्चर हुआ है या फिर जिस साइड पर कोई इंजरी हुई है वहाँ पर अपन क्या क्या कर सकते हैं, आर आई सी ए के थ्रू अपन ने देख लिया। उसके बाद आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, कि अपन पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लिया है तो अब वहाँ पर क्या होगा, पेशेंट विद द मस्कुलो स्केलेटल ट्रोमा इज रिसीव्ड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वन हैज़ टू एक्ट इन द कोऑर्डिनेटेड वे। अगर कोई पेशेंट है उसको मस्कुलर स्केलेटल ट्रोमा हुआ है तो अपन ये चेक करेंगे उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और उसको ट्रीट किया जाता है एक कोऑर्डिनेटेड वेव में। फिर उसके बाद अपन ध्यान देते हैं कि जिस पार्ट पे फ्रैक्चर हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन इसके अलावा उसको कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो इंजर्ड हुए हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा अपन ध्यान देते हैं हर्ट हेड पे, चेस्ट पे एंड एंडोमिनल पर, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गन्स हैं और ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर डैमेज हो जाए और उसको ध्यान में रखा जाए तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जो पार्ट इंजर्ड हुआ है उसके अलावा भी इन चीज़ों को भी देखा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि कोई नर्व या वेसल्स है वो तो इंजर्ड नहीं हुई है, हुई है या नहीं हुई है, इस बात का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद अपन ट्रीट करने के साथ साथ अपन उनको कुछ ऐसे ड्रग्स भी है जो यूज़ करवाते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर एनाल जैसे कि अपन उसको देते हैं पेशेंट को। उसके बाद कोई हेड इंजरी हुई है तो अपन उसको नार्कोटिक एनाल जैसे कि अवॉइडेड, तो उस कंडीशन में अपन को ये अवॉइड करना है। उसके बाद है ओपन फ्रैक्चर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़, तो इस कंडीशन में अपन ये ड्रग्स देते हैं उस पेशेंट को। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ओके, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अपन उसमें ऐसे कुछ एग्जांपल दे देखते हैं कि अपन उसमें क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो उसमें है वुडन प्लैंक, क्रेम्पर, थॉमस, ये सब अपन यूज़ कर सकते हैं उस वाली कंडीशन में। अपन इसको इस पिक्चर के थ्रू दे सकते हैं, ये है वुडन प्लैंक, ये है थ्रोमस स्प्लिंट, क्रेम्पर वायर स्प्लिंट, ये होता है हेड हेडल स्प्लिंग,
तो इस सब के थ्रू अपन इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अब अपन देखेंगे फेज़ 1 अपना कंप्लीट हो गया है, इमरजेंसी केयर था वो कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे डेफिनेटिव केयर। तो डेफिनेटिव केयर में क्या है, इसमें भी अपन 3 ट्रीटमेंट देखते हैं, 3 तरीके से अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। एक तो है रिडक्शन, सेकंड इमोबलाइजेशन एंड थर्ड है प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रैक्चर। तो रिडक्शन में क्या होता है कि मान लो ये अपनी एक बोन है, ये यहाँ से फ्रैक्चर हो गई और ये ऐसे चली गई, डिसलोकेशन हो गया इस बोन का, ये यहाँ से ब्रेक हुई थी। तो रिडक्शन में क्या होता है, अपन बोनी पार्ट को पकड़कर उसमें थोड़ा ट्रैक्शन देके उसको फिर से अपने एक अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करते हैं, वापस उसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो रिडक्शन का मतलब यही होता है। और रिडक्शन में 2 तरीके से होते हैं, ओपन रिडक्शन एंड क्लोज रिडक्शन। तो ओपन और क्लोज अपन देखेंगे। ओपन रिडक्शन में क्या होता है, इसको कहते हैं अपन ऑपरेटिवली मेथड भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अपन नॉन ऑपरेटिव मेथड भी कह सकते हैं। क्योंकि ओपन रिडक्शन में क्या होता है, जो ओपन रिडक्शन में अपन को जो पार्ट है उसको कट कर कर उसके बाद उसमें रिडक्शन करना पड़ता है, उसको फिर से अपने अलाइनमेंट में लाने के लिए अपन को उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन जो क्लोज रिडक्शन है उसमें अपन को ऐसा नहीं करना पड़ता, जो डॉक्टर या जो थेरेपिस्ट होता है वो उसके बाहरी लिम को पकड़ कर उसको एक अलाइनमेंट में ले आते हैं, थोड़ा ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ट्रैक्शन का मतलब अपन दोनों बोन्स को थोड़ा खींचना, जॉइंट को बोन को, फिर वापस उसको उसी लाइन में ले आना, ये होता है क्लोज रिडक्शन। और इसमें किसी मतलब किसी भी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको कहा है नॉन ऑपरेटिव। उसके बाद आता है रिडक्शन का मतलब, यही लिखा हुआ यहाँ पे, टेक्निक ऑफ सिटिंग अ डिसप्लेस्ड फ्रैक्चर टू प्रॉपर अलाइनमेंट। जो डिस्प्ले जो फ्रैक्चर है उसको अपन प्रॉपर अलाइनमेंट में ले आते हैं। उसके बाद है इमोबलाइजेशन, डन बाय एक्सटर्नली इमोबलाइजेशन, जैसे एग्जाम्पल प्लास्टर नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जिस इंसान को या जिस पर्सन को फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर डॉक्टर एक प्लास्टर लगा देता है, देखा ही होगा। और कभी कभी इसके लिए इंटरनल फिक्सेशन के भी यूज़ करना पड़ता है, जैसे रोड प्लेट इन सब का यूज़ करते हैं, ये होते हैं ऑपरेटिव मेथड। तो रोड को अंदर डाल देंगे या प्लेट को डाल देंगे, फिर उस पार्ट को इमोबिलाइजेशन कर देंगे। उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन, फिजियोथेरेपी ऑल थ्रू द ट्रीटमेंट इवन व्हेन द लिम इज इमोबिलाइज इज नेसेसरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो कर दिया रिडक्शन, फिर कर दिया इमोबिलाइजेशन, उसके बाद जैसे इमोबिलाइजेशन हो गया, उसके बाद की कंडीशन होती है कि जो इनमोबिलाइज करने के कारण जो पेशेंट का जो पार्ट होता है, जो लिम होता है, वो थोड़ा वीक हो जाता है, वहाँ के मसल्स कुछ टाइम के लिए वर्क नहीं कर पाती, तो वो अपना वर्क भूलने लगती है और वो थोड़ी वीक होने लग जाती है, मतलब मसल वास्टिंग होना शुरू हो जाती है। तो जैसे इमोबिलाइजेशन के बाद अपन को उस पार्ट को प्रिजर्व करना पड़ता है, तो वही होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शंस। उसके बाद अपन देखते हैं इसके मेथड्स, ये भी मेथड्स ही है इसके तीनों, रिडक्शन इमोबिलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं जो कि अपन यूज़ करते हैं फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के लिए, वो है ट्रीटमेंट बाय फंक्शनल यूज़ ऑफ द लिम, लिम को पकड़ के अपन उसको ठीक कर दें। ट्रीटमेंट बाय इमोबिलाइजेशन अलोन, कि सिर्फ अपन इमोबिलाइजेशन का यूज़ करें। सेकेंड है ट्रीटमेंट बाय क्लोज्ड रिडक्शन फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन। क्लोज रिडक्शन मैंने बताया था, क्लोज रिडक्शन मतलब है नॉन ऑपरेटिव, तो क्लोज और इसको फ्रैक्चर को वापस अपने अलाइनमेंट में लाना। तो इसके साथ साथ अपन यूज़ करेंगे इनमोबिलाइजेशन का। उसके बाद होता है क्लोज रिडक्शन एंड परक्यूलेशन फिक्सेशन, उसके बाद होता है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन एंड मिनिमली इनवेसिव सर्जरी, ये अपन आगे देखेंगे। अभी जो ये फर्स्ट वाला है मेथड, इसमें क्या है, ट्रीटमेंट बाय फंक्शनल यूज ऑफ द लिम। इसमें क्या होता है, अपन को किसी ऑपरेटिव ऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि अपन कोई कट लगाना है या कुछ करना है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये अपन ऐसे ट्रीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है,
नो नीड डिडक्शन, इसमें अपन को डिडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और इमोबिलाइजेशन की करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपन डिडक्शन किस कंडीशन में करते हैं, जब कोई फ्रैक्चर है वो डिसलोकेस्ड हो गया है तो अपन उसको वापस उसके अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिल्कुल सीधा हो जाए, लेकिन इसमें अपन ऐसा नहीं करेंगे। और इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, इसको फिक्स करने के लिए अपन इसके ऊपर कास्ट लगा देते हैं, प्लास्टर कास्ट लगा देते हैं, लेकिन इसमें वो करने की भी जरूरत नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल होते हैं फ्रैक्चर, रिब एंड स्केपला, स्केपला और रिब। लेकिन कभी कभी बहुत से कंडीशन में ये भी देखने को मिला है कि जो फ्रैक्चर अपने हर्ट के ज़्यादा पास होते हैं उसमें हीलिंग पावर भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस जगह रिब और स्केपला के जगह अपन रिडक्शन भी कैसे करेंगे मतलब, और इमोबिलाइजेशन भी नहीं करते। तो इसके लिए अपन यूज़ क्या करते हैं, सिंपल एनाल्जेसिक यूज़ कर देते हैं, थोड़ी बहुत दवा दे देते हैं, स्प्लिंग्ड आर नीडेड है ना, स्प्लिंट्स वगैरह लगा देंगे, उसके बाद पेन रिलीफ के लिए अपन उसको ड्रग्स दे देंगे इनिशियली फ्यूज डेज में, शुरुआती दिनों में। उसके बाद आता है सेकंड, क्लोज रिडक्शन एंड परकुटेनियस फिक्सेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अपन यूज़ करते हैं क्लोज रिडक्शन का, अपन ने पहले भी पढ़ा था, जो क्लोज रिडक्शन का मतलब होता है नॉन ऑपरेटिव, अपन जॉइंट में या फिर जो पार्ट इंजर्ड हुआ है, जहाँ फ्रैक्चर आया है उसको थोड़ा ट्रैक्शन दे के उसको अपने अलाइनमेंट में सेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब वही होता है क्लोज रिडक्शन का। तो इसमें क्या करते हैं, रिड्यूस्ड बाय क्लोज मैनिपुलेशन बट आर अनस्टेबल एंड आर लाइकली टू डिस्प्ले द कॉन्सिक्वेंटली। तो इसमें क्या होता है, अपन ने कर तो दिया क्लोज रिडक्शन, लेकिन इसमें चांसेस होते हैं कि वो फिर भी अनस्टेबल रहता है और डिस्प्लेस्ड हो सकता है, इसलिए अपन उसको फिक्स करने के लिए के वायर और क्रस पिन एक्सेट्रा का, इन सब का यूज़ करते हैं, ताकि जो फ्रैक्चर है जिसको अपन सही अलाइनमेंट में ले आया है तो उसको फिक्स करके रखें। फॉर होल्ड द फ्रैक्चर पोजिशन एंड एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ द प्लास्टर और स्प्लिंट इज यूजली रिक्वायर्ड। तो अपन उसको अलाइनमेंट में लिया है और उसमें अपन ने फिक्स कर दिया वायर क्रस पिंस, इनसे अपन ने उसको फिक्स कर दिया, तो उसके बाद भी फिर उसको अपन को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, एक्सटर्नली प्रोवाइड करवाना पड़ता है, जैसे प्लास्टर एंड स्प्लिंग वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, स्प्लिंट वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आता है थर्ड, ट्रीटमेंट बाय क्लोज रिडक्शन फॉलोड बाय इनमोबिलाइजेशन। क्लोज रिडक्शन की बात की थी सही, अभी यहाँ पर भी दो तरह के रिडक्शन होते हैं, क्लोज रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन। तो क्लोज रिडक्शन की बात करें, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा और उसके साथ साथ अपन यूज़ करेंगे इनमोबिलाइजेशन का। डिसप्लेस्ड फ्रैक्चर ट्रीट नॉन ऑपरेटिवली इनमोबिलाइजेशन इज यूजली इन अ प्लास्टर कास्ट। नॉन ऑपरेटिव मेथड से अपन इसको ट्रीट करेंगे और इमोबलाइजेशन के लिए अपन प्लास्टर कास्ट का यूज़ करेंगे। और उसके बाद फोर्थ है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनली फिक्सेशन। ओपन रिडक्शन की बात क्या आता है, इसमें करना पड़ेगा अपन को ऑपरेशन, उसके बाद अपन उसका रिडक्शन करेंगे, एंड है इंटरनल फिक्सेशन, और उसके अंदर अपन को कुछ फिक्स करना पड़ेगा ताकि वो जो फ्रैक्चर है वो एक अलाइन में ही लगा रहे, वो बार बार डिस्प्लेस ना हो। तो यही है अनस्टेबल फिक्सेशन आर ट्रीट बाय दिस मेथड। जो अनस्टेबल फ्रैक्चर होते हैं जो बार बार डिसप्लेस्ड हो जाते हैं, जो एक जगह पे स्टेबल नहीं रह पाते, उसको अपन यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं नॉन रिडक्शन मेथड का। दे आर सम फ्रैक्चर सच एज इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स जो होते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर जो फ्रैक्चर होते हैं उसमें ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसमें फिर है एक्यूरेट रिडक्शन, स्टेबल फिक्सेशन एंड अर्ली स्टेबलाइज मोबिलाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिगेन जॉइंट मसल्स, जॉइंट फंक्शन। जॉइंट फंक्शन को अपन रिगेन करने के लिए अपन को ये चीज़ें करनी पड़ती है, एक्यूरेट रिडक्शन, स्टेबल फिक्सेशन एंड अर्ली मोबिलाइजेशन। अब इसके बाद अपन फिर बात करते हैं अगले मेथड की, ट्रीटमेंट बाय इमोबिलाइजेशन अलोन। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ अपन इमोबिलाइजेशन करेंगे, इसमें अपन को रिडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कि अपन को क्लोज रिडक्शन करना है और ना ही अपन को ओपन रिडक्शन करना है, अपन को सीधा इमोबिलाइजेशन करना है। तो ये किस कंडीशन में किया जाता है, जैसे सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है तो उस कंडीशन में अपन को करना पड़ता है। उसके बाद आता है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, इसको अपन MICB कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, ट्रीटिंग फ्रैक्चर विथ मिनिमल इन्वेंसिव टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू अपन इस कंडीशन को ट्रीट करेंगे, एड रिडक्शन विदाउट ओपनिंग द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को बिना ओपन किए उसका रिडक्शन करेंगे, यूजिंग स्पेशल डिवाइस सच एज रोड प्लेट्स एक्सेट्रा। इन सब का यूज़ करके अपन
उसका रिडक्शन करेंगे इस तरह से। इसके एडवांटेज क्या है, ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन्स प्रिजर्व है ना, अर्ली यूनियन, लेस पेन, पेन कम होगा, अर्ली यूनियन हो जाएगा, ब्लड सप्लाई प्रिजर्व रहेगी और अर्ली रिकवरी। तो इस कंडीशन में जो इस मेथड होता है इसमें रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। तो ये इसके एडवांटेज है इस ट्रीटमेंट के। उसके बाद अपन थर्ड इस फेज के आते हैं जो होता है रिहेबिलिटेशन ऑफ द फ्रैक्चर लिम। पहले अपन ने देखा था रेस्ट टू द बॉडी वाला, रेस्ट टू द बॉडी जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उस कंडीशन में अपन क्या ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था डेफिनेटिव केयर, डेफिनेटिव केयर में अपन पढ़ लिया रिडक्शन, पढ़ लिया इमोबलाइजेशन, पढ़ लिया और प्रिजर्व कर लिया, RIP अपन ने उसमें पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट में अपन देखेंगे फेज थर्ड में रिहेबिलिटेशन ऑफ द फ्रैक्चर लिम। तो इसमें क्या होता है, ये बना हुआ होता है जॉइंट मोबलाइजेशन से, मसल रीएजुकेशन एक्सरसाइज एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग गेट ट्रेनिंग, या फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं फंक्शनल फंक्शनल यूज़ ऑफ द लिम। तो इसमें क्या होगा, अपन जो थेरेपिस्ट है, जो डॉक्टर है, वो ये करवाएगा अपने पेशेंट को ताकि जो उसकी मसल्स है वो फिर से वर्क कर पाए और जो उसका मूवमेंट रुक गया था किसी फ्रैक्चर के कारण, क्योंकि उसे पेन हो रहा था, तो अपन को उसका मूवमेंट फिर से नॉर्मल करना है ताकि वो अपने जो वर्क है वो कर पाए अपने डेली लाइफ के बिना किसी कठिनाई के। तो इसमें अपन को क्या होता है, जॉइंट को मोबिलाइज करवाना पड़ता है, उसमें के बाद उसको रीएजुकेट करना पड़ता है, एक्सरसाइज होती है ये। उसके बाद होता है रिगार्डिंग गेट ट्रेनिंग, उसको अपन को गेट ट्रेनिंग देनी होती है क्योंकि उसके जो मसल्स थे वो वर्क नहीं करती कुछ दिनों तक, क्योंकि उसमें प्लास्टर कास्ट वगैरह लगा हुआ था, इमोबिलाइज थी वो पार्ट, तो अपन उसको गेट ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो अपन इसका फर्स्ट देखेंगे जॉइंट मोबिलाइजेशन, जॉइंट मोबिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जो अपन ने काफ़ी दिनों तक उसमें लगा के रखा था प्लास्टर कास्ट, जिसके कारण वो जो पेशेंट था वो अपना वर्क नहीं कर पा रहा था, तो उसके जो पार्ट है वो स्टिफ हो जाते हैं। तो वो स्टिफ क्यों होते हैं, इमोबिलाइजेशन के कारण, और अनएक्टिवली टू मूव द जॉइंट ड्यू टू पेन, जो पेशेंट को पेन होता है तो उस कारण वो अपने मूव नहीं कर पाता था अपने जॉइंट को, तो इस कारण भी स्टिफ हो जाते हैं। एंड फिर है एसोसिएटेड इंजरी टू द जॉइंट एस वेल, तो इंजरी थी तो उसके एसोसिएटेड टू द जॉइंट एस वेल, ठीक है। उसके बाद है जो पेशेंट है वो अपना, जो मतलब डॉक्टर है वो अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेगा, जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को इनकरेज करेगा टू मूव द जॉइंट हिमसेल्फ विथ असिस्टेंट, उसे अपन कहेंगे एक्टिव असिस्टेंट। तो अपन जो डॉक्टर है वो पेशेंट को इनकरेज करेगा जो जॉइंट है उसको मूव कराने के लिए, मूव द जॉइंट बाई हिमसेल्फ, तो उसको कहेंगे एक्टिव इमोबिलाइजेशन, ओके। उसके बाद आता है कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट अप टेक्निक, मशीन जो है वो अपन यूज़ कराएंगे पेशेंट में। इस मशीन का मतलब वो होता है, इसका मतलब होता है मोटराइज्ड डिवाइस विच स्लोली मूव द जॉइंट थ्रू अ पर प्री डिटरमाइंड रेंज ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड, कि जो अपन मशीन लगा रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि जो पेशेंट है वो अपने रेंज ऑफ मोशन में वापस आ सके, और इसमें अपन जो उसके जो मूवमेंट्स है उसको करवाते हैं इस मशीन के थ्रू, स्लोली मूव करवाते हैं और उसकी रेंज को वापस गेन करवाते हैं। उसके बाद अपन हॉट फर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं, जो मसाज है उनका यूज़ करते हैं, मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं, और पैसिव मोबिलाइजेशन तो है ही सही, इन सब का यूज़ करवा के जो उसका जॉइंट है मोबिलाइज करवाते हैं अपन, ताकि वो अपना वर्क कर सके और वापस नॉर्मल कंडीशन में आ सके। तो ये होता है रिहेबिलिटेशन। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट मसल्स री एजुकेशन एक्सरसाइज के बाद पढ़ेंगे फंक्शनल यूज़ ऑफ द लिम। अब नेक्स्ट आता है मसल री एजुकेशन एक्सरसाइजेस। तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ यूज़, जो मसल्स है उसका यूज़ कम करने के कारण, जो इनका यूज़ करने के कारण जो मसल्स वास्टेट होने लग जाती है, मतलब वो अपना फंक्शन है ना वो लेस लेस हो जाते हैं उसके फंक्शन, तो मसल एक्टिविटी भी मेंटेन ऑल थ्रू द ट्रीटमेंट। तो इस ट्रीटमेंट के थ्रू जो मसल्स की जो एक्टिविटी है उसको अपन मेंटेन करते हैं ट्रीटमेंट में। तो ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन, जब जब किसी पेशेंट का पार्ट इमोबिलाइज है तो उस कंडीशन में अपन क्या करवाएंगे, और एक्सटर्नली इमोबिलाइजेशन मतलब उसका
जो प्लास्टर कास्ट है वो हट गया है, फिर उसके बाद अपन क्या कराएंगे? तो उसको अपन कहेंगे स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, एंड जो एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन को कहेंगे टेक्निक को डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आगे पढ़ेंगे ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन मूव द जॉइंट टू प्रिवेंट स्टिफनेस एंड वास्टिंग ऑफ मसल्स। तो ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन में स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन अपन क्यों कराएंगे? ताकि अपन उसके जो स्टिफनेस को प्रिवेंट कर सके और जो उसकी मसल जो वास्टिंग हो रही थी उसको अपन प्रिवेंट कर सके। सच मूवमेंट्स डू नॉट कॉज एनी डिलीट्रियस इफेक्ट ऑन द पोजिशन ऑफ द फ्रैक्चर। और कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपन डॉक्टर करवाता है अपने पेशेंट को कि जिसमें जो फ्रैक्चर है उसने कुछ भी ऐसे फ्रैक्चर होने के बाद जो मूवमेंट करते हैं तो उस वो इस मूवमेंट के कारण उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसकी जो स्टिफनेस है वो भी प्रिवेंट हो जाती है, जो मसल की जो वास्टिंग है वो भी प्रिवेंट हो जाती है। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन का ये मतलब है मसल्स वर्किंग ऑन द जॉइंट इनसाइड द प्लास्टर कैन बी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मूविंग द जॉइंट। जॉइंट को बिना मूवमेंट किए उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं प्लास्टर के अंदर ही वो होते हैं स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद इसका सेकंड है आफ्टर रिमूवल ऑफ इमोबिलाइजेशन कि अपने प्लास्टर कास्ट हटा दिया, स्प्लिंट्स वगैरह हटा दी, उसके बाद अपन क्या करेंगे? आफ्टर अ लिम्ब इज इमोबिलाइज फॉर सेम सम पीरियड इट गेट स्टिफ फॉलोइंग केयर इज रिक्वायर्ड स्किन इज क्लीन। वो निकलने के बाद इमोबिलाइजेशन के बाद उसको मोबाइल करने के लिए अपन करेंगे स्किन को क्लीन करेंगे, जो स्केल्स हैं उनको रिमूव करेंगे और जो कुछ है ऑयल वगैरह वो उस पर अप्लाई करेंगे। जॉइंट्स आर मूव्ड टू रिगेन द रेंज ऑफ मोशन को फिर से रिगेन करने के लिए अपन उसको कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं। एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेंट जॉइंट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज अपन पेशेंट को परफॉर्म कराते हैं ताकि उसकी अपनी रेंज ऑफ मोशन को फिर से रिगेन कर सकता है इस कारण से। अब अपना थर्ड आता है फंक्शनल यूज ऑफ द लिम। तो अपन इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मान लो पहले पेशेंट को लोअर लिम इंजरी थी, फिर थोड़ा थोड़ा ट्रीट हुआ, तो उसमें जो पेशेंट था वो थोड़ा बहुत वेट बियरिंग करने लगा, उसके बाद तो पार्शली फॉलोड बाय फुल हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसको किसी एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सपोर्ट द लिम इन द ब्रेस क्लिपर कास्ट इन सब की उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी एंड वॉकिंग एड्स सच एज वॉकर्स को उसको यूज़ करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। अगर कुछ ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो उसको ये ज़्यादा टाइम के लिए भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। पेयर ऑफ क्रंचेस होते हैं जो कि एक्सिला पे अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद स्टिक एक्सेट्रा में भी नेसेसरी, ये सब उसके लिए नेसेसरी हो जाते हैं उसकी मसल्स को या उसके जॉइंट को वापस अपनी एबिलिटी रिगेन करवाने के लिए। तो यहाँ पर अपना ख़त्म होता है रिहेबिलिटेशन। तो इसमें अपन ने तीनों फेजेस पढ़ ली, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इमरजेंसी केयर अपन ने पढ़ लिया कि अपन उसको स्प्लिंट वगैरह लगा देंगे किसी कपड़े से। उसके बाद डेफिनेटिव केयर में पढ़ लिया रिडक्शन इमोबिलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन। रिहेबिलिटेशन में देख लिया कि अपन किस तरह से जो पेशेंट है उसको उसकी मूवमेंट रिगेन करवा सकते हैं।